नमस्कार आम ओडिशा स्वागत करुछ लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर को दिन बुलेटिन आरंभ करिबा कोरोना संपर्कित खबर राज्य में आउ 8681 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती खोर्धार सर्वाधिक 1408 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सुंदरगढ़ 745 पुरी 514 कटक 570 चिन्हट होती बलांगीर 468 बरगड़ 423 अनुगुल 419 चिन्हट होता बेले झारसुगुड़ 411 संबलपुर 410 नवरंगपुर 368 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती जाजपुर 321 नुआपड़ 304 मयूरभंज 220 चिन्हट होती संपर्क अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम करेस्पोंडेंट दीपक सामल दीपक देखो सकाल सकाल गोटे बड़ खबर आम कहीपर जे 8000 पुणि थे पार करोना संक्रमण मामला चित्र जानवाक चाहिए क्यों जिलार संक्रमित स्थिति रही है कौन रही चित्र कोरोना ग्राफ देखु गत काली आज पखापाखि 2000 अधिक संक्रमण संख्या बढ़ी तेणु आज कह सारा ओडिशा 8681 कोरोना पॉजिट चिन्हट हो जो थे खोर्धारु सर्वाधिक 1408 अनुगुल 419 बालेश्वर 155 बरगढ़ 423 भद्रक 103 बलांगीर 469 बौद्ध 57 कटक 570 देवगढ़ 102 ढेंकानाल 33 गजपति 125 गंजाम 198 जगतसिंहपुर 21 जाजपुर 321 झारसुगुड़ा 411 कलाहांडी 195 से भाव में कंधमाल 54 केन्द्रापड़ा 85 केन्दुझर 148 कोरापुट 113 मलकानगिरी 34 मयूरभंज 220 नवरंगपुर 368 नयागढ़ 160 नुआपड़ा 304 पूरी 514 रायगढ़ 151 संबलपुर 410 सोनपुर 98 सुंदरगढ़ 745 भाव में गत काली पखापाखि 2000 संक्रमण संख्या अधिक होई तेणु गोटे पटे संक्रमण बढ़ुची अन्य पटे आईन को कड़ाकड़ी करइट कर्फ्यू करागला साप्ताहिक सदन करागला ता परवर्ती मुहूर्त कि अमानियक संक्रमण बढ़ुची आपण देखिथे गत काली पुलिस डीजी कही गला गोटे मास मध्यरे पाखापाखि 1.5 लाख लोक मास्क एवं सोशल डिस्टेंस रक्षा न करथिबारु किबा नियम पालन न करथिबारु सेमानक पाखरु 5 कोटी टंका फाइन अदा कराउची तो एथिरु स्पष्ट होउची जे गोटे परे दिन कु दिन कोरोना संक्रमण संख्या बढ़ुवा समय रे लोक माने किबा ओडिशावासी किछि अमान्य अछंती जो माने केत सचेतन ताकू नै गोटपटे प्रश्न उठुची दीपक संक्रमण रो अभाव होय जे जहां नुआ नुआ योजना करछंती नुआ नुआ नियम बाहर करछंती दीपक सेही सचेतनतार अभाव जोगु ही अवहला जोगु ही वर्तमान जदि कहिबा विगत 3-4 दिन तळे 19 जिल्ला थिला 100 उपरे किंतु आज 24 जिल्लार कोरोना चित्र 100 उपर रहिछ जहां पई आहुरी भाबिबा को हमकु बाध्य कर धन्यवाद दीपक परवर्त मित्र आसीबो आपन पाखकु अपडेट खबर पाई दीपक सावल थिले करेस्पोंडेंट आम सहित अधिक आलोचना करुले सुजित साम जोड़ी होती सुंदरगढ़ सुजित देखु लगातार भाव द्वितीय स्थान रही सुंदरगढ़ जिला आज 745 पॉजिटिव चिन्ह रही स्थित तथापि सरकार अनेक व्यापक पदक्षेप नेपे कोरोना मामला कमार ना ने क्यों रोच असुविधा कहीं पॉजिटिव बाहर सुंदरगढ़ जिलार दिनकु दिन हुई कोरोना आक्रांत संख्या बढ़िवार लगी प्रथम सहर कथा जदि कहर को छाड़दे वर्तमान गाँ गहली गली खंदी कोरोना आक्रांत संख्या चिन्हट होवार लगी जदि आजिकार कथा कह 745 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती देखु जहा जो किसी अमानिया अच्छा अमानिया को बारंबार जिला प्रशासन कहतु राज्य सरकार कहतु कि पंचायत स्तर में कहतु
समस्ते कोरोना चेन को ब्रेक करने समस्ते चेष्टा करु कि अमानिया अच्छा से माने वर्तमान भी कोविड नियम को जो मानुना से कोरोना संक्रमित संख्या बढ़िवार गोटे प्रमुख कारण आउ गोटे प्रमुख कारण रही जो सीमा रही सीमा गुड़िक प्रमुख रास्ता को सिल करूँ जो गला बाट रही गला बाट में वर्तमान लोके छत्तीसगढ़ कहतु कि झारखंड कथा कहतु सेपटू लोकंर जावा आसवा बर्तमान चली गोटे प्रमुख कारण कहीं सबू सीमा को सिल कर प्रमुख रास्ता को छाड़ीदे बाकी जो गला बाट रही गला बाट को वर्तमान बंद करार रही निहाती भाव में देखू जी अमानिया अच्छी विरुद्ध में जदि दृढ़ कार्यानुष्ठान निया न जाए ताहले आगामी दिन में वर्तमान तो स्थिति असंभाल होवार लगी आगामी दिन में आहुरी असंभाल हो निहाती भाव में सुजीत गोटे कथा आम विगत तीन सप्ताह धरी खाली अमानिया अमानिया कथा कहे किंतु वर्तमान अमानिया साबार हो सुंदरगढ़ जिला कथा कहवा प्रथम नाइट कर्फ्यू आरंभ होगा सप्ताहांत सटडाउन जारी रही है यह कोरोना मामला बढ़ी बढ़ी चलुच्छी जदि कह स्वास्थ्य विभाग व सुंदरगढ़ प्रशासन कोरोना आक्रांत को चिकित्सा करने के प्रस्तुत अच्छे निहाती भाव में देखु लक्ष्मी नारायण जो अमानिया कथा कहू अमानिया विभिन्न जगार पुलिस चेकिंग विभिन्न लोकों को सचेतन करूँ कि अमानिया अच्छा बारंबार सचेतन करने फाइन दौंस कितु बारंबार से माने बुला बुली करुवर जहां देखा मिलूँ निहाती भाव में जो अमानिया अच्छा विरुद्ध में जदि दृढ़ कार्यानुष्ठान निया न जाए तेज से मानवे कहीं फाइन देवा फैशन होगा धन्यवाद सुजीत अधिक सूचना पर सुजीत साथ ले सुंदरगढ़ प्रतिनिधि सूचना दूसरे जो सुंदरगढ़ लगातार भाव द्वितीय दिन 745 पॉजिटिव चिन्हट होती द्वितीय स्थान रही सुंदरगढ़ जिला और सबुठू उद्वेगजनक स्थिति हो राज्य में आउ 8681 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1408 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती 24 जिलूर कोरोना आक्रांत संख्या 100 ऊपर रही अन्य खबर को आसवा महिला दुष्कर्म दुष्कर्मकारी को लग्न कर पिटिपिट मारिदे लोके महिला जनक गुरुतर आहत होती सूचना अनुसार बालेश्वर जिला सोर थाना सिंगाखुंटा पंचायत करंजाबणिया ग्राम से जड़े महिला पत्र गोटेवा जंगल मध्य जाता बेले एकुटिया देखि से अंचल बसंत सिंह नामक जन युवक एक घर को टेकनी दुष्कर्म कर खबर पाई स्थानीय लोके घटनास्थल में पहुंची महिला उद्धार करते महिला जनक गुरुतर अवस्था सोर डाक्तखाना भर्ती कराया उत्तेजना प्रकाश पाई उत्त्यक्त लोके बसंत सिंह को लग्न कर पिटी पिटी मारिदे एने सोर थाना अभियोग होते पुलिस एपर्तंत कहारे को गिरफ करना सतीश सेनापति अच्छा फोन लाइन सतीश देखो ये घटना ही कि अलग कथा बयान करुच्छी महिला दुष्कर्म करागला एवं पुलिस कार्यानुष्ठान पूर्व लोक मैंने पिटी पिटी मारिदे कौन प्रकृत घटना रही कौन रही अपडेट खबर निश्चित भाव में देखो जो भाई आप कहे प्रकृत में जे जहाँ कहु ग्रामवासी पक्ष जिते महिला जनक जा जंगल को काठ आने समय जो युवक जनक दुष्कर्म कर जो देखा दुष्कर्म पर अवस्था गुरुतर पड़ता तेज जो ग्रामवासी खबर संपूर्ण भाव में पाई से संगे संगे से युवक को धरी आनी गोटे प्रकार कहीपर जे उत्त्यक्त लोके जो रही थे जेहेतु अधिक लोक उत्त्यक्त हो पड़ते कारण जो महिला जनक गुरुतर रही स्वास्थ्य गुरुतर अच्छी से बेस गरीब श्रेणी तेणु निश्चित भाव चिकित्सा गोटे आवश्यक पड़ता से समय स्थानीय लोके उत्त्यक्त होते से युवक को माड़ मारे उल्लंघन कर माड़ मार कथा आसूँ और जहाँ जना पड़ी कि बर्तमान सुधा जब देखा पुलिस क्या गिरफ करनी अनेपटे जब महिला क्या देखा सोर मेडिकल भर्ती कराइला कि बालेश्वर मेडिकल को स्थानातर पर कहुई जेहेतु पर अर्थर अभाव घर रही तेणु से बर्तमान सुधा बालेश्वर मेडिकल को आनी ना तेणु परवर्त समय निश्चित भाव जेहतु सोर थाना अभियोग होती आज पुलिस ए घटना सरजमीन तदंत कर जो मैंने अभियुक्त रही गिरफ्त कर निश्चित भाव में कहीपर जो दुश्मन जो दुष्कर्म कर दंड मिले आवश्यक कि निज हाथ को लोके आईन को ना और भाव में दंड देवा निश्चित भाव में ग्रहणीय नुहे तेणु पुलिस दिगरे कार्यानुषान कर आवश्यक रही जहाँ बुद्धिजीवी मत रही जो लोक मैंने बड़ी संश्लिष्ट अच्छा जो मैंने दुर्बृत मैंने हत्या करुषान निश्चित भाव में ग्रहण करा पुलिस पक्ष सूत्र मिली कि बर्तमान सुधा क्या गिरफ्त कर घटना सत्यजीत केते बेलर घटना
देखु ये घटना गत काली घटी जेहेतु ये अंचल हूँ टे दुर्गम अंचल पहाड़िया अंचल रोचे एवं आदिवासी अंचल रोचे साधारणतः लोकलोचन को आसवाक समय लगी प्राय राति समय लोकलोचन को आसी जो थाना को खबर आसीला से समस्ते जानवाक पाई जो भले गोटे घटना घटी ता परवर्त समय दुर्गम अंचल रही पुलिस पहुंची एवं से घटना संपर्क में जांच करती तेज बर्तमान सुधा क्या गिरफ्त कराई परवर्त समय आज निश्चित भाव में जो शब को जबत कराई व्यवच्छेद निश्चित तदंत आवश्यक पड़े गिरफ्तार जेहतु भाव में आवश्यक पड़े गिरफ्त तदंत धन्यवाद सत्यजित अधिक सूचना पेश करते सेनापति थे आम बालेश्वर करेस्पंडेंट सूचना देते जे महिला को दुष्कर्म करागला दुष्कर्म पर दुष्कर्मकारी को गाँव लोके पिटी पिटी मारी पुलिस को खबर कला तदंत आरंभ कर पुलिस आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर को आसवा कटक कमिश्नरेट पुलिस एनकाउंटर दुर्दांत अपराधी शेख बाबू को एनकाउंटर करी पुलिस बाबूर गोड़ में बाजि गुड़ी बारंग चंदका रास्ता रे एनकाउंटर कर पुलिस यापर ताकू चिकित्सापी कटक बड़ डाक्तखाना भर्ती करख्यात अपराधी शकिलर सहयोगी शेख बाबू व्यवसायी को दादाबटी मांग मामलें फेरार था बाबू बाबू ना रही एकाधिक अपराधिक मामला कटक कमिश्नरेट पुलिस एनकाउंटर दुर्दांत अपराधी शेख बाबू को एनकाउंटर करी पुलिस इस संपर्क अधिक सूचना पाई नभेश महांती रही आम स्पेशल करेस्पंडेंट नभेश केते बेले एनकाउंटर हेला एवं कौन रही अपडेट खबर केमी खबर मिलला बाबू संपर्क में पुलिस को देखो लक्ष्मी बाबू को दीर्घ दिन धरी अर्थात 2019 मसीह पुलिस खोजुला कारण 19 मसीह बाबू ही फेरार था तेज फेरार थिबा अवस्था रे बाबू एकाधिक अपराधिक कार्यकलाप कटक सहर में घटेला एवं जो मध्य कि चारोटी केस रही बाबू पुलिस पाई मोस्ट वांटेड चारोटी केस पूर्वर बाबू अनेक थर गिरफ जेल जाइए ता ना हत्या मकदमा रुजु होती तेज गत काली राति पाखापाखि 9:40 समय पुलिस को खबर मिलला जे चंदका बारंग रास्तार एक निर्दिष्ट स्थान बाबू सेठी आसीबार अच्छी एकता खबर पाया पुलिस टीम से जगह जाता चढ़ाऊ करता और पुलिस चढ़ाऊ को देखी बाबू सेठू पलैक उद्यम करता पुलिस बाबू को पिछा कर बाबू अतर्कित भावे पुलिस उपरू गोटे राउंड गुड़ चाला करता जो थे कि थाना अधिकारी दरगा बजार अल्पके बर्ती थे और निज सुरक्षा पुलिस पुणी पलाटा फायरिंग करता जो थे कि बाबू आहत होती आंठू तार गुड़माड़ बाबू को बर्तमान एसीबी रे चिकित्सा कराता जेहतु 20 मकदमा रही संगीन मामला रही एवं जेहेतु से चौदा जेल रे शकिल डाहाणा हाथ बोली कहुची और तार इटा इशारा ही 2 वर्ष तले आनंद स्पोर्ट्स बक्सी बजार मालिकों 10 लाख टंका दादा बटी मागी तेणु बाबू सहित अन्य माने के माने संपुक्त अच्छा से धरने पुलिस उद्यम आरंभ कर सब बड़ कथा लक्ष्मी 2 वर्ष पर पुलिस सर्विस बंधुक शेष में घटी एवं आशा कर कटक अपराधिक कार्यकलाप सामान्य रोक लगे निश्चित भाव कही पार कोरोना समय पुलिस अमानिया को साबाड़ कला समय एपटे देखा जी कह अपराधी को साबाड़ करने पुलिस तत्पर रही एनकाउंटर करी कमिश्नरेट पुलिस एवं दुर्दांत अपराधी शेख बाबू को एनकाउंटर करी कटक कमिश्नरेट पुलिस धन्यवाद जनावे अधिक सूचना आसवा 5 राज्य निर्वाचन संपर्कित खबर पश्चिमबंगे शेष पर्याय भोट सह सरी 5 राज्यर मतदान एवं मे 2 आसव फलाफल तेरे तापूर्व आसी विभिन्न संस्थार एक्जिट पोल अनुसार 192 आसन पर पश्चिमबंगे शासक टीएमसी को कड़ा टक्कर देजेपी 2 आसन प्रार्थी मृत्यु कारण निर्वाचन होन अधिकांश एक्जिट पोल दीदी को आगुआ दर्शाते भी बीजेपी दृढ़ विरोधी दल भाव उभा एबीपी सर्वे अनुसार टीएमसी को 152 आसन बीजेपी को 109 आसन एवं बाम मेट को मिलपे 11 आसन तेरे रिपब्लिक सीएनएक्स अनुसार बीजेपी को 138 आसन मिलता बेले टीएमसी को 128 आसन मिलपे तेरे जन की बात रे बीजेपी हासिल करे संख्यागरिष्ठता बीजेपी को 162 आसन मिलपे सेपरि टीएमसी हासिल करे 104 आसन अन्य मानक मिलपे 9 आसन
आसाम 126 आसन पर शासक बीजेपी एवं कांग्रेस मध्य जोरदार टक्कर रिपब्लिक सीएनएक्स सर्वे रे बीजेपी मेंट को 75 रु 85 एवं कांग्रेस मेंट को 40 रु 50 टी आसन मिली पारे। एबीपी सी वोटर अनुसार बीजेपी मेंट को 58 रु 71 एवं कांग्रेस मेंट को 53 रु 66 आसन मिली पारे। आज तक आक्सिस सर्वे अनुसार बीजेपी मेंट को 75 रु 85 सीट एवं कांग्रेस महामेंट को मिली पारे 40 रु 50 आसन। टुडेज चाणक्य सर्वे रे बीजेपी मेंट को 61 रु 79 टी आसन एवं कांग्रेस मेंट को 47 रु 65 आसन मिली पारे। इंडिया टुडे सर्वे रे बीजेपी मेंट को 75 रु 85 आसन एवं कांग्रेस मेंट को 40 रु 50 आसन मिलुछि। सेपटे एक्जिट पोल रे तमिलनाडु रे होई पारे क्षमता परिवर्तन 234 आसन विशिष्ट तमिलनाडु रे एआईएडीएमके को हराई क्षमता हाथी पारे डीएमके। रिपब्लिक सीएनएक्स सर्वे रे डीएमके मेंट को 160 रु 170 आसन मिली पारे। सेपरी एआईएडीएमके को 58 रु 68 आसन मिली पारे। अन्य मानको 4 रु 6 आसन मिलिबो। पीएमआरक्यू सर्वे रे डीएमके को 165 रु 190 टी एवं एआईएडीएमके को 40 रु 65 सीट मिलिबो। टुडेज चाणक्य सर्वे रे डीएमके को 164 रु 186 सीट एवं एआईएडीएमके को मिलिबो 46 रु 68 आसन। शहे चालीस आसन विशिष्ट केरल रे क्षमता बजाय रखिपे एलडीएफ। पोल डायरी सर्वे अनुसार एलडीएफ को 77 रु 87 आसन मिलिपे। सेपरी यूडीएफ को मिलिपे 51 रु 61 आसन। अन्यमानक मिलिपे 2 रु 5 टी आसन। एबीपी सिस वोटर अनुसार एलडीएफ को 71 रु 77 एवं यूडीएफ को 62 रु 68 बीजेपी को 2 टी आसन मिलिपे। टुडे चाणक्य रिपोर्ट अनुसार एलडीएफ को 93 रु 111 एवं यूडीएफ को 36 रु 44 आसन मिलिपे। तीस आसन विशिष्ट पुडुचेरी रे बीजेपी मेंट क्षमता हासिल करिपे। रिपब्लिक सीएनएक्स अनुसार बीजेपी को 16 रु 20 एवं कांग्रेस को 11 रु 13 आसन मिलिपे। एबीपी सी वोटर अनुजाई एनडीए को 19 रु 23 एवं यूपीए को 6 रु 10 एवं अन्यान्य को गोटे रु 2 टी आसन मिलिपे। राज्यरे फ्लाटनिंग कर्व रे कोरोना केबे बढ़ुची ताऊ केबे कमुची हेले दिनकु दिन बढ़ुची मृत्यु संख्या। मे 15 बेळकु दैनिक संक्रमण 13,000 टपिबा आशंका। तेणु स्थिति नियंत्रण पई हेबो नुआ स्ट्राटेजी। सीबीके महांति बायोलॉजिकल साइंस रे कोनोसी जिंस स्थिर न किंतु जो चेंज ओवर टा होची जो डिफरेंस टा होची सेट गो रीजनेबल डिफरेंस होबा कथा। एमती मैंने हजार टा 10,000 टा को आम नेग्लेक्ट करें कि 8,000 है आज फिर 6,000 रेंज को चली आसला। आगे तीन चार दिन भी सेमती 6,000 रेंज रे थिला। आम भावे सब भल होता अर्थ नुजे आम निजे ढिला भविष्य भी मैं वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सेपटे राज्य में आगक संक्रमण आहरी बढ़िया आशंका कर स्वास्थ्य विभाग। मे 15 बेलक दैनिक 13,000 पॉजिटिव चिन्हट हो पारती। सेते बेळकु दैनिक 5,815 रोगी डाक्तरखानारे भर्ती हेबे एवं क्रिटिकल केयर पेशेंट 2,040 हेबे। सेपटे 438 भेंटिलेटर सपोर्ट रे रहिबे। तेणु केमिति स्थिति को सामना करिबो ताहा स्वास्थ्य विभाग पई चैलेंज हेबो। आईआईटी कानपुर स्टडी कहुची देशरे मे द्वितीय सप्ताह बेळकु कोरोनार पीक आसी पारे। हेले स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहिसेंती जे शटडाउन और लॉकडाउन सबु जगारे वर्तमान आवश्यकता नाही। गत थर सटडाउन और लॉकडाउन करा प्रभाव केमिति थिला ताहाकु मध्य अनुध्यान पदक्षेप निया जाउछि। किंतु जेउ जगारे पॉजिटिव अधिक बढ़ुची लोके अमानिया हेउछंती भिड़ हेउछि सेही जगारे सटडाउन लॉकडाउन भली पदक्षेप निया जाय पारे। तेणु सेथिपई हेउछि नुआ स्ट्राटेजी। सटडाउन लॉकडाउन र बेसी आवश्यकता वर्तमान फेज रे आमे भाबुनु जे गोटे दिन सटडाउन करदे तीन दिन सटडाउन करदे आम आगुरी देखीचे सटडाउन लकडाउन करते तार केते इफेक्ट है विशेषज्ञ मैंने देखुं से तार इफेक्ट के लोकालाइज जिनस लोकालाइज जिनसरे आम स्ट्राटेजी चेंज करवा जोटी बेसी भिड़ होन कंट्रोल
ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 43% ଜେନେରାଲ ବେଡ୍, 63% ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଓ 35% ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ରେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସାରା ଦେଶରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଲା, କେଉଁଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା ସାଇରାମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଉଛି। ଏଠାରେ ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରୁ କିଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫିଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛୁ, ଯିଏକି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। କରୋନା କାଳରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି କାରଖାନାକୁ ବାହାରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଣାଯାଏ। ସେହି ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ସେହି ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅତି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କାରଖାନାରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଠାରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ସାଇରାମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାରଖାନା। ଦୈନିକ ଏଠାରୁ 7 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 500 ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହୋଇଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ। ଆମ ପାଖରେ ଏଇ କାରଖାନାର ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିନେବା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଆପଣ କରିକିରି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆମର ଏଠି ଭେପରାଇଜର୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଭେପରାଇଜର୍ ମେସିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଭେପର୍ ହେଇ ଏପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଏପଟେ ସବୁ ଲାଗିଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେତେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ରହୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆଗକୁ ଅଧିକା ଚାହିଦା ହେବ, କିଛି ବଢ଼ାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି କି? ସାର୍, ଆମେ ପୁରା ସଦାସର୍ବଦା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରଖିଛୁ, ତାକି ଯେମିତି କେବେ ବି କୌଣସି ଇଏରେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ବାହାର ବାହାରୁ ବି ଆମ ପାଖେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଫିଲ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ଆମେ ସର୍ଟ କିଛି ହେବ ବୋଲି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସର୍ଟ କିଛି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଦୃଶ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଇରାମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅନ୍ୟତମ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାରେ ତୈଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ହିଁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଏହି କାରଖାନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜୁ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନେଟୱାର୍କ 18 ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ 18 ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7।